नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। दोस्तों, नायक में हम आपको ऐसी शख्सियतों से परिचित कराते हैं जिन्होंने अपने जज्बे, हिम्मत और एकाग्र चित्ता की वजह से जिंदगी में असंभव को संभव करके दिखाया है। तो आज के हमारे नायक भी कुछ ऐसे ही इंसान हैं। बड़ी अनूठी कहानी है उनकी, जैसे किसी फिल्म की पटकथा हो, क्योंकि ऐसा होता तो फिल्मों में ही है कि एक भयानक बीमारी से गांव छोड़कर आया छोटा सा लड़का भटकते भटकते पहुंच जाता है शिमला। वहां उसको नौकरी नहीं मिलती, फिर बड़ी मुश्किल से मशक्कत के बाद एक होटल में छोटी मोटी नौकरी करता है, वेटरी भी करता है। वही बच्चा एक दिन बन जाता है एक होटल का मालिक और आगे जाकर अपनी मेहनत के बल पर, अपनी इमेजिनेशन, परिश्रम और उद्यम के बल पर यही लड़का एक दिन बन जाता है भारत की सबसे बड़ी होटल चेन का मालिक। जी हां, आप समझ गए होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक एमएस ओबेरॉय हैं हमारे आज के नायक। नायक, नायक। संघर्षों से लड़ते हुए शुरुआत और फिर कामयाबियों के शिखर पर पहुंचने का सफर, किस तरह से जिंदगी शुरू हुई संघर्षों से जूझते हुए और फिर कैसे पहुंचे वो कामयाबियों के शिखर पर, बताऊंगा आपको एक अद्भुत व्यक्ति की अनूठी कहानी। एमएस ओबेरॉय हैं हमारे आज नायक। आप बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। सुन रहे हैं आप हमारी खास पेशकश नायक, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। एमएस ओबेरॉय हैं हमारे आज के नायक। ओबेरॉय की जिंदगी शुरुआत से ही बड़ी नाटकीय रही। कड़ी मेहनत, गरीबी और दरिद्रता के बीच शुरू हुआ था उनका जीवन। ओबेरॉय साहब ने खुद अपने बचपन के बारे में लिखा है कि जो कुछ भी मैंने हासिल किया वो कड़े परिश्रम के बाद ही मुझे मिला। रोजाना विपरीत परिस्थितियों के साथ मेरा संघर्ष होता था। मैं हर संघर्ष को, हर चुनौती को अपने लिए एक अवसर की तरह लेता था और जुट जाता था उस चुनौती से निबटने के लिए। जब मैं पीछे मुड़ आज उन दिनों को देखता हूँ तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार होता हूँ ईश्वर का कि मैंने उन चुनौतियों को स्वीकार किया और उन कठिनाइयों को पार कर पाया। पिताजी एमएस ओबेरॉय के पेशावर में एक ठेकेदार थे, लेकिन मौत उनकी तब हो गई जब एमएस ओबेरॉय सिर्फ 6 महीने के थे। परिवार में सिर्फ 2 लोग थे, एक उनकी माँ और गोद में 6 महीने का शिशु एमएस ओबेरॉय। जब ओबेरॉय थोड़े बड़े हुए तो गांव के ही एक स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया गया। इसके बाद वो पहुंचे रावलपिंडी, जहां उन्होंने डीएवी की एक शिक्षण संस्थान में दाखिला लिया। यहीं से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। 12वीं करने एमएस ओबेरॉय पहुंचे लाहौर। उसके बाद आगे की पढ़ाई के पैसे उनके पास थे नहीं, लिहाजा पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा यहीं रोकनी पड़ी। अब दिक्कत थी कि नौकरी कैसे मिले, क्योंकि 12वीं पास बच्चे को उस जमाने में भी कोई बहुत नौकरियां उपलब्ध नहीं होती थी। आगे बताऊंगा आपको कि पहले रावलपिंडी से 10वीं और फिर लाहौर से 12वीं पास करने के बाद भी एमएस ओबेरॉय को करना पड़ा वापस अपने गांव लौटने का फैसला। ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज एक छोटे मोटे होटल में अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक जो बन गए आगे जाकर भारत की सबसे बड़ी होटल चेन के मालिक। जी हां, एमएस ओबेरॉय हैं हमारे आज के नायक। तो जनाब, ऐसा क्या हुआ कि 10वीं रावलपिंडी से और 12वीं लाहौर से पास करने के बाद भी ओबेरॉय को ये तय करना पड़ा, ये फैसला लेना पड़ा कि बस अब कहीं गुजर नहीं है, लौट कर वापस अपने गांव ही जाना पड़ेगा।
जैसा हमने आपको बताया, उस जमाने में भी 12वीं पास को कोई बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, नौकरियां आसानी से नहीं मिलती थी। नौकरी के लिए एमएस ओबेरॉय दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उसी समय उनके एक दोस्त ने उनको सलाह दी कि वो टाइपिंग सीख लें, क्योंकि टाइपिस्ट की काफी मांग है, टाइपिस्ट को जल्दी नौकरी मिल जाती है। मरता क्या ना करता, ओबेरॉय जी ने टाइपिंग सीख ली, लेकिन किस्मत देखिए, नौकरी उन्हें तब भी नसीब नहीं हुई। अब एमएस ओबेरॉय के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, अपने गांव वापस लौट जाएं। गांव वापस जाने के बारे में सोच ही रहे थे, दिन तय हो ही रहा था कि अचानक किस्मत ने करवट ली। उनके रिश्ते के चाचा ने उन्हें लाहौर शू फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी। एक बार तो एमएस ओबेरॉय का मन इस काम में लग गया। उन्हें लगा बस आगे सब अच्छा ही होगा उनकी जिंदगी में, लेकिन जिंदगी को अभी और कई इम्तिहान लेने थे एमएस ओबेरॉय के। अचानक जूते बनाने वाली इस फैक्ट्री में घाटा हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई और एमएस ओबेरॉय हो गए बेरोजगार। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। एमएस ओबेरॉय हैं हमारे आज के नायक। तो बता रहा था मैं आपको कि कैसे एक महामारी ने खोले एमएस ओबेरॉय के किस्मत के दरवाजे। हमने आपको बताया था कि कैसे बड़ी मुश्किल से एमएस ओबेरॉय को एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी मिली थी, लेकिन किस्मत देखिए जनाब, फैक्ट्री में घाटा हुआ, ताले लग गए और एमएस ओबेरॉय हो गए फिर से बेरोजगार। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय अपने गांव वापस लौटने के। अब जब गांव लौटे, शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया सबने। हालांकि एमएस ओबेरॉय उन परिस्थितियों में कतई शादी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर देखिए साहब, किस्मत का खेल, उनके होने वाले ससुर जी जब उनसे मिले तो इतने प्रभावित हुए एमएस ओबेरॉय से कि उन्होंने कहा कि नहीं, शादी कर लो, और अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में थमा दिया। शादी होने के थोड़े ही दिनों बाद गांव में प्लेग की महामारी फैल गई। ओबेरॉय साहब की माँ बहुत घबरा गई और 25 रुपए देकर उन्होंने एमएस ओबेरॉय को भेज दिया उनके ससुराल। ससुराल जाते वक्त रास्ते में उन्होंने एक अखबार में देखा कि शिमला में एक नौकरी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। फौरन एमएस ओबेरॉय ने इरादा बदला और ससुराल की जगह वो पहुंच गए शिमला। एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन बिना तैयारी के इम्तहान में फेल हो गए। अब साहब हालत ये हो गई कि ससुराल गए नहीं थे, पहुंच गए थे शिमला एक नौकरी के चक्कर में, नौकरी मिली नहीं थी, माँ के दिए हुए 25 रुपए भी खर्च हो गए थे। बताऊंगा आपको आगे कि कैसे इतनी फक्कड़ हालत में फिर दर दर भटकते एमएस ओबेरॉय को मिली शिमला में अपने सर के ऊपर एक छत। कैसे किस्मत एक बार फिर पलटी। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज एक बहुत ही अजब गजब रैग्स टू रिचेस स्टोरी की। एमएस ओबेरॉय हैं हमारे आज के नायक। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि कैसे जब गांव में फैल गई प्लेग की बीमारी, एमएस ओबेरॉय को उनकी मां ने 25 रुपए के साथ भेज दिया अपने ससुराल। रास्ते में एमएस ओबेरॉय ने एक अखबार में एक नौकरी की वैकेंसी देखी, ससुराल जाने की बजाय वो पहुंच गए शिमला, इम्तहान दिया, इम्तहान में फेल हो गए और इस बीच माँ के दिए 25 रुपए भी खर्च हो गए। अब कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि शिमला की सड़कों पर भूखे प्यासे इधर से उधर घूमे, एड़िया घिसे। ऐसा ही कुछ करते हुए एमएस ओबेरॉय की नजर पड़ी होटल सेसिल पर। इतना शानदार होटल था कि वो स्वयं को रोक नहीं पाए। जेब में एक दमड़ी नहीं थी, लेकिन घुस गए अंदर। अंदर घुसते ही वहां की चकाचौंध जब देखी तो पहले तो एमएस ओबेरॉय घबरा गए, नर्वस हो गए। फिर उन्होंने सोचा, अरे यहाँ हमें कौन जानता है और हमें किस बात का डर, और अब खोने को भी क्या बचा है। ये ख्याल आया और बहुत ही बोल्डली वो पहुंचे होटल के फॉयर पर, जहां इत्तफाक से उस समय होटल के मैनेजर साहब खड़े थे। एमएस ओबेरॉय मैनेजर के सामने और कहा, क्या आप मुझे यहाँ नौकरी दे सकते हैं। मैनेजर अंग्रेज था,
वो एमएस ओबेरॉय की बोल्डनेस से बड़ा प्रभावित हुआ। पूछा उनसे, टाइपिंग आती है? एमएस ओबेरॉय ने कहा, बिल्कुल आती है। बस शुरू हो गया वहीं से एमएस ओबेरॉय का नया करियर। 40 रुपए महीने की तनख्वाह और काम बिलिंग क्लर्क का। आगे बताऊंगा आपको कि कब दी थी ओबेरॉय ग्रुप के फाउंडर एमएस ओबेरॉय को 100 रुपए की टिप पंडित मोतीलाल नेहरू ने। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। एमएस ओबेरॉय हैं हमारे आज के नायक। तो कैसे एक बार एमएस ओबेरॉय, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी होटल चेन ओबेरॉय ग्रुप की स्थापना की थी, उन्हें एक बार 100 रुपए की टिप दी पंडित मोतीलाल नेहरू ने। एमएस ओबेरॉय लिखते हैं कि जब उन्होंने सेसिल होटल को ज्वाइन किया, उसके थोड़े ही दिनों बाद वहां प्रबंधन में, मैनेजमेंट में परिवर्तन हुआ। पहले वहां हुआ करते थे अंग्रेज मैनेजर मिस्टर ग्रोव, उनकी जगह ली एक मिस्टर क्लार्क ने। और इसी के साथ एमएस ओबेरॉय की किस्मत ने भी फिर से करवट ली। चूंकि एमएस ओबेरॉय स्टेनोग्राफी जानते थे, टाइपिंग जानते थे, इसलिए मिस्टर क्लार्क ने उन्हें कैशियर और स्टेनोग्राफर दोनों नौकरियां दे दी। इसी दौरान सेसिल होटल में आकर रुके पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित जी को एक महत्वपूर्ण डिक्टेशन देना था, कुछ टाइप करवाना था और बहुत जल्दी में थे, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि उस टाइपिंग में कतई कोई गलती ना हो। एमएस ओबेरॉय काम के पक्के थे, मेहनती थे। उन्होंने सोचा कि अगर पंडित मोतीलाल नेहरू का काम है तो चाहे कैसे भी हो, बिना किसी गलती मैं उस काम को अंजाम दूंगा। पूरी रात एमएस ओबेरॉय ने टाइपिंग की, अपने ड्राफ्ट को बार बार देखा और जैसा कि पंडित मोतीलाल नेहरू जी चाहते थे, उनको उस रिपोर्ट की कॉपी उन्होंने अगले दिन सुबह सौंप दी। मोतीलाल नेहरू जी बड़े प्रसन्न हुए, एमएस ओबेरॉय से धन्यवाद दिया और साथ ही 100 रुपए का एक करारा नोट बख्शीश की तरह उनके हाथ पर रख दिया। उस दिन कौन जानता था कि टिप देने वाले शख्स का बेटा एक दिन बनेगा भारत का पहला प्रधानमंत्री और टिप लेने वाला क्लर्क उसके मंत्रालय में सांसद होगा। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। एमएस ओबेरॉय हैं हमारे आज के नायक। तो कैसे होटल में नौकरी करने वाले एमएस ओबेरॉय बन गए एक दिन खुद होटल के मालिक। बात 1924 की है, जिन मिस्टर क्लार्क ने एमएस ओबेरॉय का हुनर पहचाना था, उनको प्रमोट किया था, तनख्वाह कर दी थी 50 रुपए, उनका कॉन्ट्रैक्ट सेसिल होटल के साथ खत्म होने जा रहा था। अब मिस्टर क्लार्क ने दिल्ली क्लब का केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और एमएस ओबेरॉय से पूछा कि क्या वो भी उनके साथ काम करना चाहेंगे। एमएस ओबेरॉय फौरन मान गए, बड़ा एहसान था उन पर मिस्टर क्लार्क का। मिस्टर क्लार्क ने एक बार फिर एमएस ओबेरॉय का पूरा ध्यान रखा और उनकी तनख्वाह कर दी अब 100 रुपए प्रति महीने। जबरदस्त प्रमोशन। दिल्ली क्लब का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का था और उसके बाद मिस्टर क्लार्क ने फिर देखना शुरू किया कि किस नए व्यवसाय के साथ वो जुड़े। उन दिनों शिमला का कार्ल्टन होटल बिकाऊ था। मिस्टर क्लार्क बहुत इच्छुक थे कि उसकी लीज उन्हें मिल जाए, लेकिन कुछ गारंटर्स की आवश्यकता थी। यहाँ एमएस ओबेरॉय ने उनकी मदद की, अपने कुछ रिश्तेदारों से बात की, कुछ दोस्तों से बात की, जिन्होंने मिस्टर क्लार्क की उस मौके पर मदद की, लोन्स के गारंटर वो लोग बने। इस तरह से शुरुआत हुई शिमला में क्लार्क्स होटल की। 5 साल के बाद मिस्टर क्लार्क ने तय किया कि अब वो होटल को बेच रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने पेशकश की एमएस ओबेरॉय को कि अगर वो चाहें तो होटल खरीद लें। एमएस ओबेरॉय जानते थे कि अगर वो इस प्रस्ताव पर हां भरेंगे तो उन्हें अपनी बची कुची संपत्ति, जो कुछ भी घर में था, सब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन इस चुनौती से पीछे नहीं हटे एमएस ओबेरॉय। अपनी पत्नी के जेवर तक उन्होंने गिरवी रख दिए और इस डील को स्वीकार कर लिया।
बस देखते ही देखते कभी शिमला में एक होटल में मामूली सी नौकरी से अपना करियर आरंभ करने वाला एमएस ओबेरॉय अब शिमला के सबसे शानदार होटल्स में से एक क्लार्क्स होटल का मालिक बन गया था। और बस इसके बाद एमएस ओबेरॉय ने कभी वापस पीछे मुड़कर देखा नहीं। तो ये थे हमारे आज के नायक ओबेरॉय होटल्स ग्रुप के संस्थापक एमएस ओबेरॉय। कल शाम 8 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने और बात करेंगे हम हमारी इस खास पेशकश नायक में संतूर सम्राट पंडित शिव कुमार शर्मा जी की। तो जुड़ना ना भूलिएगा इस संगीत में सफर में हमारे साथ। फिलहाल मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।